मेष राशि, आपके लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। इस दिन को बहुत संभल कर बिताइएगा। यह दिन दुर्घटना के संकेत दे रहा है, गलत निर्णय ना हो जाए इस बात के भी संकेत दे रहा है। सावधानी, भाषा पर बहुत नियंत्रण रखें और मंगल कार्य करने से बचें। उपाय, यदि मंगल कार्य के लिए आप जा रहे हैं तो अपने घर के बुजुर्गों को या छोटी बहन को साथ लेकर जाइए। और एक छोटा सा उपाय जरूर कर लीजिए, इस दिन सरसों का तेल और उड़द की दाल का दान अवश्य कर दें आप। वृषभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है। आप अपने पीठ, पैर और पेट का विशेष रूप से ध्यान रखें, साथ ही साथ माताजी और पिताजी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। सावधानी, इस दिन को बहुत विशेष बनाने के लिए आपने बोलना कम है, सोच समझ कर बोलना है और शक के आधार पर निर्णय नहीं लेने हैं। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, 5 फलों का दान अवश्य कर दीजिएगा। मिथुन राशि, ग्रस्त जीवन के लिए यह दिन बहुत अच्छा सिद्ध नहीं हो सकता, इसीलिए आपने ग्रस्त संबंधी वाद विवादों से स्वयं को दूर रखना है और आपकी वजह से कोई वाद विवाद ना हो इस बात का विशेष ख्याल रखना है। सावधानी, इस दिन पार्टनर्स और मित्र ये धोखा दे सकते हैं या इनके साथ आपका मनमुटाव हो सकता है, ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप पके हुए भोजन का दान करेंगे और इस भोजन में थोड़ा सा नमक अलग से जरूर रख दीजिएगा। बस सब ठीक। कर्क राशि, इस दिन शत्रु परास्त होंगे, आपके लिए मार्ग खुलेंगे। यह दिन आपके लिए संघर्ष भरा तो है, लेकिन यदि आप धैर्यपूर्वक अपना कार्य करते रहे तो सफल भी होंगे। सावधानी, इस दिन कार्य का बोझ अधिक रहेगा, इसलिए थोड़ा धैर्य धरिएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप दुम दुर्गाय नमः का जप कर लीजिए, माँ देवी को याद कीजिए, उसके बाद अपने काम पर जुट जाइए तो सब ठीक करें। सिंह राशि, भाग्य पक्ष आपका अच्छा, इसलिए आप जम के मेहनत कीजिए, कार्य कीजिए। कुछ समस्या हो सकती है दोपहर बाद, लेकिन वह भी सुलझ जाएगी। सावधानी आपको जरूर बरतनी है, इस दिन वाहन बहुत सोच समझ कर चलाइएगा और यदि आप स्त्री हैं तो पुरुष, पुरुष हैं तो स्त्री से बहुत मर्यादा में रहकर व्यवहार कीजिएगा। उपाय, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप चीनी का दान अवश्य कर दीजिएगा। कन्या राशि, यह दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, धन और स्वास्थ्य दोनों की दृष्टि से यह दिन कमजोर है। शत्रु इस दिन मुखर हो रहे हैं, इसलिए अपना कार्य बहुत मुस्तैदी से कीजिएगा। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन आपको अपने भोजन का बहुत ख्याल रखना है, हल्का भोजन कीजिएगा। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने कच्ची सब्जी का दान 8 वर्ष से छोटी कन्या को करना है, बाकी प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, दिन आपके लिए अच्छा है। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं और विवाह करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी दिन अच्छा है। एक सावधानी लेकिन आपको बरतनी पड़ेगी और वो ये है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्तों में परेशानी उत्पन्न कर सकता है, बाकी उपाय कीजिए। इस दिन आप नंग गर्भताय नमः का जप करें, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, भाषा की वजह से कहीं कोई परेशानी दिखाई दे रही है और साथ ही साथ अपने आंख, दांत और गले का भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। इस दिन मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा, माताजी का आपको सहयोग मिलेगा, परंतु एक सावधानी, इस दिन किसी की बीमारी या गुस्से की वजह से आप व्यथित हो सकते हैं। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। धनु राशि, इस दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, सोच समझ कर निर्णय लेने होंगे और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। वाहन ध्यान से चलाएं, कोई अचानक यात्रा हो सकती है या कहीं पार्टी मीटिंग में विशेष जगह जाना हो सकता है, भोजन ऐसी जगह सोच के करें। एक सावधानी बहुत जरूरी है, इस दिन तेज गति से वाहन नहीं चलाएंगे और वाहन चलाते वक्त पूरी एकाग्रता बनाए रखेंगे। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम रुद्राय नमः का जप करके तब अपने काम पर निकलिएगा। मकर राशि,
यह दिन धन की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है, नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए कोई बड़ा निर्णय बिना सलाह मशवरा किए मत लीजिएगा और उसमें अपने बड़े भाई अथवा अपने घर के बुजुर्गों को शामिल कीजिएगा। सावधानी, इस दिन थोड़ा स्वास्थ्य की ओर से अलर्ट रहें, पेट नहीं तो परेशान कर सकता है, शत्रु भी मुखर हो रहे हैं, अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है ये दिन बेहतर बने इसके लिए गण गणपताय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे, प्रभु अच्छा सब ठीक करेंगे। बस नीला और काला कपड़ा मत पहनिएगा। कुंभ राशि, ये समय आपके लिए कुल मिलाकर ठीक है, इसलिए आप मेहनत से अपना कार्य करें। हाँ, वो लोग जो प्रेम संबंधों में हैं या वो लोग जो किसी नए व्यक्ति से आज मित्रता करना चाहते हैं या वो लोग जो आज पार्टनरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, उन लोग के लिए दिन अच्छा नहीं रहेगा। सावधानी, इस दिन थोड़ा पेट का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और यात्राओं में जाते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, उड़द की दाल का दान किसी गरीब बुजुर्ग को अवश्य कर दें। मीन राशि, संभल के चलिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, इस दिन कोई आपको प्रलोभन दे के फंसा सकता है, अपने कीमती कागज आदि का ध्यान रखिएगा, किसी के कहने पर आंख बंद करके डिसीजन मत लीजिएगा, सोच समझ के विवेक के इस्तेमाल से डिसीजन लीजिएगा। सावधानी, इस दिन भाषा के प्रयोग से सफलता मिल सकती है, उसका दुरुपयोग ना करें। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप खीर का दान कर दीजिएगा। दिन जैसा मैंने बताया उसके आधार पर एक बार जल्दी से आपकी राशि का रिकैप कर लेते हैं। राशि के बारे में डिटेल से मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, लेकिन फिर भी कोई खास बात है फटाफट मैं आपको बता देता हूं। मेष राशि, आपके लिए कुल मिला के यह दिन अच्छा है, मेहनत जरूर ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन लाभ होगा। वृषभ राशि, आपके और आपके माता पिता के स्वास्थ्य की दृष्टि से यह दिन थोड़ा कमजोर दिख रहा है, अलर्ट रहे। मिथुन राशि के लिए यह दिन पार्टनरशिप और प्रेम संबंधों को लेकर थोड़ा सा कमजोर है। कर्क राशि के लिए यह दिन ठीक है, आगे बढ़ने के आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। सिंह राशि के लिए यह दिन ठीक है, मेहनत से आगे बढ़िए। कन्या राशि के लिए यह दिन थोड़ा सा कमजोर है, भाग्य पक्ष कमजोर है, धन संबंधी निर्णयों में दिक्कत हो सकती है। तुला राशि के लिए दिन अच्छा है, विवाह या प्रेम संबंधों के लिए, पार्टनरशिप और मित्रों के लिए भी यह दिन ठीक रहेगा। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने आंख दांत गले का थोड़ा सा ख्याल रखने की आवश्यकता है। धनु राशि के लोगों को आज ड्राइविंग करते वक्त, वाहन चलाते वक्त बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मकर राशि के लिए धन की दृष्टि से दिन सामान्य है। कुंभ राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, हाँ मेहनत जरूर करनी पड़ेगी तब आपके कार्य बनेंगे। और मीन राशि के लोगों को आज थोड़ा संभल कर रहना है हर चीज में। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।